नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं केसरिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुसुम। मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आ गए हैं। बीजेपी ने एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई है। तेलंगाना में कांग्रेस और मिजोरम में जेडपीएम पार्टी सत्ता में आई है। चुनावी हार के बाद नेताओं की प्रतिक्रियाएं आने लगी है। चुनाव परिणाम पक्ष में नहीं आने पर कमलनाथ ने कहा कि सबसे चर्चा की जा रही है, हारे और जीते हुए उम्मीदवारों को बुलाया जा रहा है ताकि उनसे बात कर हार की वजह पर चर्चा किया जा सके। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आ गए हैं। बीजेपी ने एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई है। तेलंगाना में कांग्रेस और मिजोरम में जेडपीएम सत्ता में आई है। चुनावी हार के बाद नेताओं की प्रतिक्रियाएं आने लगी है। चुनाव परिणाम पक्ष में नहीं आने पर कमलनाथ ने कहा कि सबसे चर्चा की जा रही है, हारे और जीते हुए उम्मीदवारों को बुलाया जा रहा है, उनसे बात कर हार की वजह पर चर्चा की जा रही है। ईवीएम हैक होने की बात उनके पार्टी के कई नेता कर रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि मैं पहले चर्चा कर लूं और किसी फैसले पर आ जाऊं सही नहीं है, ये सवाल मुझसे नहीं जनता से पूछा जाए। उन्होंने आगे कहा कि कुछ विधायक कहते मिले कि उनके अपने ही गांव में उन्हें 50 भी वोट नहीं मिले हैं, ये कैसे हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि मेरे अपने गांव में एग्जिट पोल में भी यही रिजल्ट दिखाया गया है। बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि एग्जिट पोल तो सिर्फ माहौल बनाने के लिए था, जिसको पहले से ही परिणाम पता था उसने एग्जिट पोल बनवाया होगा। आइए देखें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने क्या कुछ कहा। क्या हुआ सर, इतनी कम सीटें, आप जीत का दावा। देखिए ये तो आप लोग भी जानते हैं क्या माहौल था, तो मेरे से क्यों पूछ रहे हैं, आप पब्लिक से पूछिए। मुझे अभी कुछ विधायक मिले सुबह, कहते मेरे अपने गांव में मुझे 50 वोट मिले, ये कैसे हो सकता है। कहते मेरे अपने गांव में, घर से मैंने देखा सर, एग्जिट पोल जिस तरीके से सामने आया, क्या आपको लगता है एग्जिट पोल एक पुराना कारण, कई कांग्रेसी लोग बोल रहे हैं एग्जिट पोल तो माहौल बनाने के लिए किया था जी, जिसको परिणाम पहले से पता था जी, उसने एग्जिट पोल का बनाया हुआ जी जी। सर चूक कहा हुई है, एक आदमी का सर चूक। मैं अभी सबकी बात सुन लूं जी, सबकी बात सुनता हूं। चलते रहो, सर ईवीएम को मानते हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए केसरिया न्यूज। धन्यवाद।